हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लाया हूं जो कि वाकई में आप लोग खुद उसे सुनने के बाद बोलेंगे यार ये दमदार था। आज एक ऐसा लाइन एरे के लिए 12 इंच का ऐसा नियोडिम स्पीकर बताने वाला हूं जो कि लगभग प्रेशर मिड के बराबर बजता है। मतलब क्या होता है कि अगर आप प्रेशर मिड अपनी लाइन एरे में डाल रहे हैं तो उसे आप सुपर पावर बना रहे हैं, लेकिन अगर आपका स्पीकर उसकी बराबरी में आपकी आवाज नहीं दे पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा प्रतीत होगा कि प्रेशर मिड की आवाज ज्यादा आ रही है और स्पीकर की कम आ रही है या नहीं के बराबर आ रही है। तो ये जो लैक होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज में डिफरेंस आना या सुनने में फर्क आ जाना जो पता लगता है हमें, ये फर्क मिटाने के लिए आपको उसी लेवल की सेंसिटिविटी वाला स्पीकर चाहिए रहता है। तो आज हम लोग वैसी ही टाइप का स्पीकर देखने वाले हैं। स्पीकर रहेगा टर्बो सोनिक की ओर से 12 इंच का नियोडिमियम स्पीकर, ये वाला। आज इस स्पीकर को हम लोग अनबॉक्स करेंगे, इसके सारे फीचर्स मैं आपको बताऊंगा और इसको फिट करके लाइन एरे में जो कि ये वाला है इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उन सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नज़दीकी डीलर से कॉन्टैक्ट कीजिए या तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए हमने एक सेटअप लिया था जो कि हमारा 4 बेस और 4 लाइनरी वाला बनाया हमने। देखिए बातों बातों में ये हो गया कि मुझे स्पीकर पसंद आया तो हमने लाइनरी बना दिया, और लाइनरी बना दिया तो उसके साथ ही साथ मैचिंग वाले बेस भी बना दिए, तो एक कंप्लीट सेटअप खड़ा हो गया हमारे पास जो कि लगभग 9 to 10 lakhs के बीच में, नहीं 8 to 9 lakhs के बीच में जाने वाला है और ये बहुत ही दमदार बना है। लेकिन इसे दमदार कैसे बनाएंगे आपको वीडियो में दिखा के, पहले स्पीकर को करते हैं अनबॉक्स और आपको पूरा टेस्टिंग दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि महाराष्ट्र में हमारी शॉप है, शॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका कैटलॉग वहां पे बना के रख देते हैं और आप लोग देखिए और कांटेक्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब अनबॉक्सिंग के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे इस 12 इंच के नियोडिमियम स्पीकर को। हालांकि ये दो दो पीस का पैकेजिंग आता है, लेकिन हमने आपके लिए थोड़ा सा इसे खोल रखा है ताकि एक ही बॉक्स आपके सामने खुले और उसमें से हम लोग स्पीकर आपको दिखाएं। डबल कार्टून पैकेजिंग में ये स्पीकर आता है, बिल्कुल सिंपल सा पैकेजिंग है। स्पीकर का मॉडल नंबर है ND9512। ये एक 12 इंच का 400 वॉट्स का नियोडिमियम स्पीकर है जिसका मैग्नेट आप लोग देख ही सकते हैं, काफी ज्यादा एयर पास इसमें दे रखे हैं क्योंकि नियोडिमियम मैग्नेट बाकी मैग्नेट से ज्यादा हीट होता है, इसीलिए इतना वेंटिलेशन इसे लगता है। चेसी का डिजाइन टर्बोसोनिक का अपना है, यहां से आप लोग जेसी देख सकते हैं, काफी मजबूत सी दे रखी है। कोन जो है मिड रेंज वाली कोन दे रखी है, मिड रेंज मतलब जिससे मिड ज्यादा मिले आपको उस वैरायटी की कोन यहां पे देखने को मिल रही है हमें। टू लेयर का एक्समास है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है क्योंकि इसने मिड रेंज पे काम करना है तो कॉइल को इतना ज्यादा जंप करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्पीकर का नॉर्मल वोल्टेज जो है वो 400 वॉट्स है और प्रोग्राम पावर जो है वो 800 वॉट्स का बोला गया है। सेंसिटिविटी 101 dB दी गई है। स्पीकर का फ्रीक्वेंसी रेंज 43 हर्ट्ज से लेके 3 किलो हर्ट्ज तक की रेंज में दिया गया है। वॉइस कॉइल का डायमीटर 76 यानी कि 3 इंच का दिया गया है। वॉइस कॉइल का मटेरियल इसका एल्यूमिनियम वाइंडिंग में है। हालांकि स्पीकर ये नियोडिमियम बोला गया है और है भी, लेकिन इसका वेट कम नहीं है, 5 kg इस छोटे से नन्हे मुन्ने स्पीकर का वेट है। इस स्पीकर का पैकेजिंग के साथ वेट 5.7 kg होता है। इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिए देता हूं, वो भी आप लोग बाद में स्क्रीनशॉट लेके
पढ़ सकते हैं। साथ में लगने वाले जो प्रेशर मिड और एचएफ हैं वो आपको दिखाई देते हैं, और उनके साथ लगने वाली नेटवर्क्स भी मैं आपको दिखा देता हूं। क्योंकि क्या है, प्रेशर मिड एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है जिसे समझना पड़ता है कि ये कैसे काम करता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक 120 वॉट के एचएफ के साथ एक प्रेशर मिड हमने रखा हुआ है, और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग दो स्पीकर को और दो एचएफ को साथ में कनेक्ट करेंगे एक ही पैसिव क्रॉसओवर पे। लेकिन उससे पहले हम लोग अपने प्रेशर मिड को फ्लेयर में फिट करेंगे। इसे हम लोग नट बोल्ट लगाने वाले हैं और फिट करेंगे हम लोग फ्लेयर्स के साथ। इसमें लगने वाले जो फ्लेयर्स हैं वो 8x12 की ही साइज के हैं, लेकिन ये डुअल एचएफ लगने वाली फ्लेयर है। ये फ्लेयर जनरली अनब्रेकेबल पैटर्न में आती है। लाइनरें बनाने के लिए आपको फ्लेयर्स की इंफॉर्मेशन और आपके पास फ्लेयर्स का स्टॉक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये फ्लेयर्स ही है जो डिसाइड करती है कि लाइनरें किस टोन में बजेगी, कितनी हार्ड या कितनी लंबी उसकी आवाज ट्रेवल करेगी। ये प्रेशर मिड जो हम लोग इसमें डाल रहे हैं वो है 230 वॉट्स का, मतलब इसमें ड्यूअल कॉइल लगाता है। 150 वॉट का इसका मिड रेंज का ड्राइवर होता है और 80 वॉट का इसमें हाई फ्रीक्वेंसी ड्राइवर होता है। इन दोनों को चलाने के लिए एक अलग नेटवर्क लगती है। मिड रेंज का ड्राइवर आपका 650 हर्ट्ज से लेके काम करना स्टार्ट करता है, और हाई फ्रीक्वेंसी ड्राइवर जो है वो 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होता है। जनरली 80 वॉट का एचएफ मतलब 518 का एचएफ आप मान के चल सकते हैं इसमें जो लगा होता है प्रेशर मिड में, लेकिन मिड रेंज का जो 120 वॉट्स का ड्राइवर होता है वो एक 500 वॉट के स्पीकर जितना काम करता है। इसे बनाना एक स्मार्ट चॉइस होती है, क्योंकि ये सबसे नया प्रोडक्ट है और ये नियोडिमियम होता है। उसके बाद बात करते हैं हमारे एचएफ की। ये 120 वॉट्स का है, 3 इंच का डायफ्राम होता है इसमें लगा हुआ, और इसका भी एक फ्रीक्वेंसी रेंज है। ये भी लगभग 1.2 किलोहर्ट्ज से लेके ही ऊपर काम करता है, और ये सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी और हाई मिड देने में काम में आता है। अगर आपको अपनी आवाज को स्ट्रॉन्ग करना है और प्रेशर मिड जितनी आपको मिड दे देता है उतनी बराबरी का आपको एचएफ भी चाहिए, तो आपको 120 वॉट्स का एचएफ उसके साथ लगाना ही होता है। हमारे फ्लेयर्स हम लोग फिट कर देते हैं। आप लोग देखिएगा इसे कसने का पैटर्न कुछ इस टाइप का है। इन टाइप के लाइनर्स को बनाने के लिए आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों चीजें चाहिए होती हैं। कई बार लाइनरे में लोग सिंगल वाले फ्लेयर डालते हैं, तो उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि वो टॉप बन रहा है, लाइनरे नहीं। लाइनरे एक लंबी रेंज तक काम करने वाला प्रोडक्ट होता है। हालांकि सिंगल एचएफ वाली भी लाइनरे अच्छी बसती हैं, लेकिन उनका कॉन्फिग्रेशन उस प्रकार का होता है। ये हमारे लाइनरे की बैक साइड है। इसे हम लोग लाइनरे बोलें या मिड टॉप बोलें, बात तो एक ही हो जाती है। इसमें 2 सॉकेट है, और प्रेशर मिड के लिए हम लोग एक्स्ट्रा सॉकेट इस प्लेट के ऊपर और नीचे की साइड में लगाने वाले हैं, ताकि उसे एक डिफरेंट एम्पलीफायर पे चलाया जा सके। अगर उसे सिमिलर एम्पलीफायर पे चलाएंगे तो एम्पलीफायर पे लोड आएगा और वो 2 ओम्स या उससे भी नीचे काम करने वाला रहेगा, लेकिन उतना कंटिन्यूस पावर किसी एम्पलीफायर से निकालना, और वो भी डीजे जैसी सेंसिटिव चीज़ में, ये प्रॉपर नहीं होता। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट एम्पलीफायर पे उसे चलाएंगे और
इस बार का एम्पलीफायर हमने चूज किया है NX Audio का DJ801। इस एक एम्पलीफायर पे चार प्रेशर मिड आप चला सकते हैं। ये पर चैनल आपको 4 ओम्स पे 800 वॉट्स का आउटपुट दे देता है। ये हमारी नेटवर्क है जो कि पैसिव क्रॉसओवर भी बोला जाता है जिसे। इसमें हम लोग डुअल स्पीकर डुअल HF कनेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारा बनाया हुआ फॉर्मूला है DN Acoustic की तरफ से आता है और काफ़ी कारगर है, इसीलिए हम लोग इसे बार बार यूज़ करते हैं। इसमें आपका फ्रीक्वेंसी ओवरलैपिंग या फ्रीक्वेंसी कोलिजन का काम नहीं होता है, मतलब आपका स्पीकर और HF सेम फ्रीक्वेंसी पे कहीं नहीं बसते हैं और इसी वजह से कहीं पे भी आपकी आवाज़ कटती या रोती हुई नहीं प्रतीत होती है। आपको सामने या ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके चेक करने में भी कोई आपत्ति नहीं होती है, ये हमेशा क्लियर ही बजेगी। इसे भी हम लोग अंदर ही फिट करते हैं क्योंकि अंदर हमने काफ़ी स्पेस रखा हुआ है, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं फ्लैशलाइट चालू करके। कई बार शूट हमको ऐसी जगह पे लेना होता है जहाँ पे कैमरा हम लोग नहीं डाल सकते हैं, तो ऐसे टाइम पे हम लोग मोबाइल फ़ोन्स का भी इस्तेमाल करते हैं कई बार शूट्स के लिए, जैसे कि इस जगह पे। ये नेटवर्क जो हम लोग लगा रहे हैं ये DLA मॉडल होता है, डुअल स्पीकर डुअल HF वाला। इसमें आप 500-600 वॉट का भी स्पीकर यूज़ कर सकते हैं और इसमें हमने 400 वॉट इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि वो इतना कैपेबल स्पीकर है कि HF के बराबर आपको रेंज मिल जाती है उसकी। उसके बाद ये नेटवर्क्स हमने फिट किया है हमारे प्रेशर मिड के लिए। इस स्पीकर का हमारा नेटवर्क कंप्लीट हो चुका है, स्पीकर हमने लगा दिया एलन की नट बोल्ट से पीछे की साइड में, और अब ये नेटवर्क्स जो हैं चार, ये हम लोग प्रेशर मिड के लिए यूज़ करेंगे। प्रेशर मिड का कनेक्शन बड़ा ही सिंपल होता है, लेकिन पहले मैं आपको HF कनेक्ट करना दिखा देता हूँ जो हमारे DLA नेटवर्क पे लगने वाले हैं। DLA नेटवर्क में HF जो होते हैं हमारे सीरीज होते हैं। आप अगर एक HF चेक करेंगे तो वो नहीं बजेगा, आपको दोनों HF कनेक्ट करने होंगे तब जाके ये प्रॉपरली वर्कआउट करेंगे। और ये एक डिसेंट फॉर्मूला है किसी HF को सेफ रखने का और उसकी क्लियरिटी को 16 ओम्स पे लेके जाके बजाने का। कनेक्शंस बिल्कुल सिंपल है, प्लस प्लस पे जोड़ा जाएगा और माइनस माइनस पे, क्योंकि सारा खेल हमने नेटवर्क के थ्रू कर रखा है। बाकी HF की वायरिंग के बाद हम लोग HFs को अंदर डाल देते हैं और इन वाले फ्लेयर्स को हम लोग स्क्रू से फिट कर देते हैं ताकि ये परमानेंटली अपनी जगह पे एक बार फिक्स हो जाएं, तो हमें इसे बार बार मूव ना करना पड़े, या कहीं अगर ये ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं तो ये हिले डुले ना। अब बारी है हमारे प्रेशर मिड की वायरिंग देखने की। आप लोग देख सकते हैं हमने वायरिंग पहले से ही कर रखी है, हम लोग नेटवर्क से सिर्फ इसे कनेक्ट करने वाले हैं। प्रेशर मिड के चार पॉइंट्स में चार वायर लगते हैं, मतलब कि मिड सेक्शन अलग और
हाई सेक्शन अलग के। वीडियो का स्पीड इसीलिए बढ़ाया है ताकि आपका और मेरा टाइम कीमती रहे। ये हुआ हमारा कंप्लीट वायरिंग एक लाइन एरे का। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वायर्स आपको दिखते हैं। ये लाइन एरे कंप्लीट होने के बाद हमारा कुछ इस टाइप का दिखेगा, जैसे मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। हालांकि मैं एक काम करता हूँ, आपको पूरा सेटअप ही दिखाई देता हूँ कि ये सेटअप हमारा डुअल 21 इंच के बेस और चार लाइन एरे के साथ कैसा दिखेगा। हमने सेटअप तो आउटडोर में ला लिया है और इसे लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें चार प्लेयर्स बीच की साइड से और दो स्पीकर साइड बाय साइड से आपको दिखते हैं। टाइगर वाला ग्रिल हमने बेस पे लगा रखा है, आप अपने हिसाब का कस्टमाइजेशन वाला भी ले सकते हैं। और इस पर डिजिटल क्रॉसओवर हमने अप्लाई किया है क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंसी रेंज थोड़ा डिफरेंट रखना चाहते हैं। प्रेशर मिड का फ्रीक्वेंसी रेंज अलग से रहेगा। प्रेशर मिड का पॉइंट जो है वो 5 और 6 नंबर के आउटपुट से निकलता है, जो कि DJ801 में आता है। और हमारा प्रोटेक का 3000 के एम्पलीफायर, जो कि हमारे लाइनरे बजाते हैं, डुअल स्पीकर डुअल HF वाले। बेस के लिए हमने दो अलग अलग एम्पलीफायर चूज किए हैं, जो कि है एक ऑडियो स्टैंडर्ड का VP12000, जो कि एक हाई पंच के लिए बहुत ज़्यादा फेमस एम्पलीफायर है। और दूसरा हमने पावर एम्पलीफायर जो कि ऑडियो टोन का AD9000 चूज़ किया है। दोनों ही अपनी श्रेणी में बेस्ट माने जाते हैं। साथ ही साथ इसमें हमने एक NX ऑडियो का DJ Media 5000 Mark II MIDI कंट्रोलर एंड प्लेयर यूज़ किया है। ये सारे सेटअप का वायरिंग हालांकि डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर ट्रेंड ऑपरेटर है तो वो 5 मिनट में समझ जाएगा कि कैसी हुई है। बहरहाल वायरिंग तो मैं आपको आज नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन सेटअप की जानकारी इतनी है। अभी आइए आगे देखते हैं क्या होता है। टर्बोसोनिक के स्पीकर में एक स्पेशलिटी मैं आपको बताता हूं। इसका सेंसिटिविटी जो है वो 101 dB है, यानी 101 dB। मान के चलते हैं कि हर 3 dB पे जो है वॉल्यूम डबल होती है, यानी कि अगर किसी स्पीकर की सेंसिटिविटी 98 dB है और उसके साथ ही साथ आप 101 dB का लगाते हैं तो 101 dB वाला दुगना बचता है 98 वाले से। यही फर्क आज के स्पीकर की जो सेंसिटिविटी है, जिसके कारण वो प्रेशर मिड से मैच कर रहा है, उसी रीजन से ये आपको स्पीकर में आज दिखाने वाला हूं। देखिए, प्रेशर मिड जो है वो लंबी रेंज तक मिड रेंज या हाई फ्रीक्वेंसी दौड़ाने के लिए माना जाता है, और उतनी रेंज तक आपको स्पीकर की भी आवाज दौड़ानी है क्योंकि लो मिड जो है वो स्पीकर के थ्रू आएगी, यानी मिड और लो मिड वाला पार्ट जो है वो स्पीकर के थ्रू आएगा, तो आपके स्पीकर को भी उतना ही शार्प या तेज होना पड़ता है। अगर आपका स्पीकर उतना तेज नहीं होता है तो आपकी कहीं ना कहीं कुछ फ्रीक्वेंसीज लैग करती हैं, जो कि ये स्पीकर उनकी पूरत करेगा उतनी ही स्पीड से आवाज को दौड़ा के। दूसरी बात कि हालांकि ये नियोडिमम है, आपका लाइन एरे में जैसे हमने सिर्फ HF फेराइट डाले हैं, बाकी प्रेशर मिड नियो होता है, स्पीकर नियो है, बावजूद इसके कि ये सब करने के बाद भी स्पीकर का या लाइनरे का मैं बोलूं वजन काफी अच्छा हो गया है, लेकिन फिर भी ये उतना बचता है कि आपकी बेस की आवाज दबा सकता है। तो आपको इसीलिए 21 इंच के बेस इसके साथ लगाने होते हैं। हमने सेटअप में यही सब किया, 21 इंच के बेस लगा दिए, लाइनरे डुअल स्पीकर डुअल HF डुअल प्रेशर मिड वाले लगा दिए। अब आपकी बारी है कि आप हेडफोन लगाएं ताकि ये वीडियो आप सुन सकें, हमने जो आउटडोर में टेस्ट दिया है उसको। Let it go.
तो आप लोगों ने हेडफोन में इसकी क्लैरिटी सुनी, इस सेटअप को सुना, मतलब कि एक कमाल का एक्सपीरियंस बनता है जब इस सेटअप के सामने आप खड़े रहते हैं। मैं तो क्या बोलूं, मतलब हम लोग जब उसे टेस्ट कर रहे थे तो हम लोग खुद ही उसको बार बार सुनते जा रहे थे। कई सारा टाइम लग गया हमें इसे टेस्टिंग में, क्योंकि हम लोग हर एक एस्पेक्ट को चेक कर रहे थे, ट्रबल, बेस, मिड्स प्रॉपरली आ रहे हैं या नहीं, या कितनी देर तक इसे चला सकते हैं या कैसे चला पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने ये चीज़ें नोटिस की कि स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा जानदार है, मतलब नियोडिमियम स्पीकर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और टर्बोसोनिक का होने की वजह से ये परफेक्ट अपने दिए हुए स्पेसिफिकेशन पे काम कर रहा था। 3 इंच के वॉइस कॉइल में आपको एक ज़ोरदार सेंसिटिविटी वाला स्पीकर अगर आप लोग ढूंढ रहे तो ये आपका ऑप्शन परफेक्ट हो जाता है। खैर, इसके अलावा मैं बताऊँ, ये पूरा सेटअप की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सेटअप एक इनक्रेडिबल सेटअप बन गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज, काफ़ी ज़्यादा पावर से मैसिव है। आपने देखा होगा हमने 6 एम्पलीफायर यूज़ किए हैं, डिजिटल क्रॉसओवर, मीडिया प्लेयर, सभी कुछ इसमें डाला है। तो इतना सब डालने के बाद सेटअप कोई छोटा मोटा तो होना नहीं है। क्या था कि एक चीज़ का छोटा सा लॉजिक बनता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट हैवी यूज़ करते हैं ना, तो उसको मैच करने के लिए आपको हर एक चीज़ हैवी करनी पड़ती है। यही हमने इस स्पीकर के साथ देखा। जब हमने ये स्पीकर के लिए लाइनरें बनाने का सोचा तो पहला थॉट यही आया कि इसके साथ आपको डुअल HF लगानी पड़ेगी। फिर थॉट ये आया कि HF भी शायद आपको कम पड़ेगी, तो इसके साथ प्रेशर मिड भी आपको लगाना पड़ेगा। तो प्रेशर मिड और HF लगाने के बाद आपका लाइनरें कंफर्टेबल बन गया, लेकिन अब बारी थी कि इसके साथ आप 18 इंच के बेस अगर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लाइनरें को प्रबल होने के लिए मौका दे रहे हैं। लेकिन लाइनरें और बेस की समतल रहे क्वालिटी, इसलिए हमने उसमें 21 इंच के बेस लगाए डुअल वाले, लेकिन फिर भी लाइनरें प्रभावी पड़ ही गया। खैर, आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आज के वीडियो का जो भी कंटेंट था आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि काफ़ी मज़ा आता है इस टाइप के कंटेंट बनाने में और इन टाइप के कंटेंट्स में स्टडी करने का एक अलग सा मौका मिलता है, एक अलग सा अनुभव आता है। तो वो सब अनुभव मैं आपके साथ इन वीडियोस के थ्रू शेयर करता हूँ। तो आप इस चैनल पर बने रहिए ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू गाइस।